everyone, Assalamualaikum. This is me Erin Holland and you're watching the show that's called De Ghuma Ke. मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ जी अमरीन, और आज PSL की जो पहली स्टोरी सामने आई है वो दो लोगों का फरार होना है, एलेक्स हेल्स एंड बेन डकेट। एलेक्स हेल्स टाउन्स यूनाइटेड, अभी ट्विटर पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है बिकॉज जो मीम्स आ रहे हैं कि एलेक्स हेल्स PSL खेलने आए थे, IPL का कॉन्ट्रैक्ट लेके फरार। लिटरली दिस। अच्छा एक चीज़ और आप देखें, जो आई थिंक प्रीवियसली कोई एक कोच भी गए हैं, वो भी IPL की ड्राफ्टिंग के चक्कर में यहाँ से छोड़ के एंडी फ्लावर वो गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पे ड्राफ्टिंग के बाद उन्होंने ज्वाइन करना था लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट इज करेक्ट। हाँ, सो यू नो आई डोंट नो ये क्या, ये कोई प्लानिंग है कि पूरी PSL के बीच में IPL की ड्राफ्टिंग और फिर खिलाड़ियों को मैग्नेट लगा के खींचना, और वो पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मैग्नेट ऑफ मनी। बेन डकेट ने भी यही रीजन दिया है कि बबल फटीग है, ऑल्दो उनकी कोई IPL के कॉन्ट्रैक्ट की खबर सामने नहीं आई है, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस को लेकर उन्होंने बड़े मजे से पुर किया विल स्मीट को ड्राफ्ट करके, और विल स्मीट की हमने फिर कल परफॉर्मेंस भी देखी, 99 वेरी वेरी गुड। तो कल का मैच मेरे ख्याल से इतना क्लोज नहीं हुआ जितना एंटिसिपेटेड था, बट You'll have to agree to the fact. My prediction was absolutely correct. बिल्कुल सही है। देखें अभी हमने जो ना पैटर्न सेट कर दिए, तो जिसने ये है कि 100% रिजल्ट चाहिए वो अमीन की सुन ले, जिसने रिजल्ट मतलब जानना है, मतलब फ्रॉम माई हार्ट एंड नॉट फ्रॉम माई माइंड, तो मेरी प्रेडिक्शन सुन ले वो। बट सही प्रेडिक्शन किसकी आ रही है? आपकी आ रही है भाई, मैं तो मान ली ना। हाँ बस ठीक है, अच्छा चलें और बताएं। हाँ मैं अब ये बोल नहीं सकता, किसी ने पैसे लगाने हो तो अमरीन की सुन ले। ना ये नहीं बोलिएगा प्लीज। ऑलराइट, सो कल के मैच में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक तो उनको स्क्वाड का बेनिफिट है कंपेयर टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, दे हैव अ वेरी वेरी लाइक मच स्ट्रॉन्गर स्क्वाड। आपके पास पेशावर जलमी में बेन कटिंग है, आपके पास उमर अकमल है, आपके पास शुएब मलिक है, आपके पास जो है वो वहाब रियाज है। सो एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड आपको देखने को मिलती है पेशावर जलमी की साइड। बट एक और जो कल के मैच में बड़ा बेनिफिट रहा है जिस चीज का पेशावर जलमी को, दैट वुड बी कि उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। द बैटिंग, बिकॉज वो जो पिच है इट्स अ बैटिंग पिच, और उस पर अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको उसका काफी फायदा होता है। आप ये देखें कि दोनों टीम्स ने ही 20-20 ओवर खेले, दोनों टीम्स ने पूरे ओवर्स खेले हैं, लेकिन 185 एक्सट्रैक्ट करना उस पिच से वाज द गुड थिंग, एक अच्छा टारगेट सेट हो जाता है। लेकिन जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स 161 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। जी अमरीन, कल हमने फिर नसीम शाह की परफॉर्मेंस देखी, 4 विकेटें ली उन्होंने क्वेटा की जानिब से, एंड आई थिंक ही इज अ रियली ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी इतनी यंग एज में जिस किस्म की पेस है, एक वो, और दूसरा मोहम्मद हसनैन, वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ही इज सस्पेंडेड इन दिस PSL। एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक सवाल कि ये जब भी कोई बॉलर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगता है या शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने, ये अचानक उसकी बॉलिंग एक्शन में खराबी आ जाती है या कोई डाउटफुल सस्पेक्ट हो जाता है, ये कोई ना कोई मसला, उसको क्यों ऐसा हो जाता है? अमरीन ये चीज दूसरी नोट करने की कि ये जब बाहर के टूर्स पे जाते हैं तभी रिपोर्ट होते हैं। ये बिग बैश के अंदर रिपोर्ट किया गया मोहम्मद हसनैन को, और उसको रिपोर्ट करने से पहले लास्ट मैच में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, 3-3, 4-4 विकेटें ले रहा था वो, ही वाज ऑन फुल फ्लो, एंड उसको बेचारे को अब करेक्शन, अपना एक्शन करेक्ट करना पड़ेगा। आई मीन आई जस्ट लेट्स होप एंड प्रे कि एक्शन चेंज करने के बाद उसकी पेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बिकॉज जो उसकी इस एज में जो उसकी पेस है 140s में वो बॉल करता है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, जबरदस्त। लेकिन मैं अमरीन मैं समझता हूँ इस मैच का जो ज्यादा बड़ा टॉकिंग पॉइंट था वो पेशावर ज़ल्मी की विक्ट्री नहीं थी, वो एक लव स्टोरी निकल के सामने आई है। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर। यू रिमेम्बर किसकी बात? जी बिल्कुल मैं समझ गया, एरिन हॉलैंड और बेन कटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, करेक्शन, एरिन हॉलैंड इज आउट ऑफ दिस, शी इज आउट ऑफ द ग्राउंड मैन। जो ऑन ग्राउंड फाइट है, और सॉरी लव स्टोरी है, उसकी बात करते हैं। दिस इज सुहेल तनवीर एंड बेन कटिंग। वाओ, आई मीन इट स्टार्टेड फ्रॉम 2018 इन द कैरेबियन प्रीमियर लीग। बाय द वे यू रियली लव एरिन हॉलैंड। यस दैट इज ट्रू, बट अभी हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वो 2018 के अंदर कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर उसने आउट किया सुहेल तनवीर ने बेन कटिंग को, और एक फिंगर जेस्चर दिया था उन्होंने उसको, तो वो बात चले, वो उधार था बेन कटिंग के ऊपर। तो आज जब उनको मौका मिला उधार झुकाने का तो उन्होंने 4 छक्के मारे हैं सुहेल तनवीर को, सूर समेत, पर उन्होंने जेस्चर रिटर्न किए उन्होंने उसके बाद। लेकिन आई थिंक सुहेल तनवीर गॉट द लास्ट लाफ, बिकॉज हमने देखा जब नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर सुहेल तनवीर ने जब बेन कटिंग का कैच लिया तो ही रिटर्न द जेस्चर वंस अगेन। I mean, honestly speaking, यार इस किस्म की चीज बच्चे देख रहे होते हैं चश्मा लगा के, और वो ऐसे चश्मा आता है क्या कहते हैं? I don't think it's cool, मतलब it's not thug life, मतलब but I think ये नहीं होना चाहिए। बच्चे especially बच्चे बहुत सारे बहुत शौक से देख रहे होते हैं, and what are you actually showing to the kids and what are you teaching them? These sort of gestures do not belong in a cricket field, मतलब sportsman spirit होना चाहिए, और sports is the positive way to spread love, peace, मतलब आप देखें 2 मुल्क जिनके बीच जंग भी हो रही हो, लेकिन sports is like a peaceful message to the people कि ठीक है sports के ground पे चीजें lighter note पे होती है। PSL disciplinary committee has to make an example out of these two, and they have to give him a very strict punishment. कुछ फाइन होनी चाहिए, कुछ बड़ी फाइन होनी चाहिए, कुछ बैन होना चाहिए इनके ऊपर, ताकि इस किस्म का जेस्चर जो है फ्यूचर में रिपीट ना हो। और यू नो क्रिकेटर्स शुड फील द सेट द राइट एग्जांपल। हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं वो वैसे ही लीग से एलिमिनेट खुद ब खुद थोड़े थोड़े, आफरीदी चले गए, आमिर इंजर्ड हो गए, हसनैन का एक्शन जो है वो क्वेश्चन हो गया, अब अगर एलेक्स हेल्स चला गया, बेन डकेट चला गया, अगर हम यही चीज करेंगे कि बैन लगे या उनको निकाला जाए तो यू नो आपको नहीं लगता लीग में से बच्चे बच जाएंगे खेलने के लिए? वो बात आपकी सही है, लेकिन देखें अगर हम इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे एक बुरा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, बाकियों के हौसले बढ़ेंगे और इस किस्म की चीज फ्यूचर में दोबारा रिपीट हो सकती है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एट द एंड ऑफ पीएसएल इसको डिसाइड किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ड्रामा था ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था बनिस्बत मैच के, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज वो दोनों की राइवलरी जो है बहुत पुरानी और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आ जाते हैं आज के मैच के प्रेडिक्शंस के ऊपर। टॉप वर्सेस बॉटम, कराची, मुल्तान वर्सेस कराची। नहीं, गलत जा रहे हैं आप, गलत जा रहे, doing it the wrong way। ये मेरे दिल की जज्बात है ना, मैं चाहता हूँ ना कराची वर्सेस मुल्तान, लेकिन अब ये हो नहीं सकता ना, ये मुल्तान वर्सेस कराची है। ठीक है, तो देखें 7 मैच हार गए, 8वां नहीं हारेगा, 8वां पे हार जाएगा, क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैच हारना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। 10 में से 1 मैच उन्होंने जीतना है, लेकिन वो आज का नहीं है। मेरी प्रेडिक्शन है कि टॉप टीम को हरा के जो ना अपना लोहा मनवाएगा कराची। चलो एटलीस्ट आपने टॉप तो कहा, समझ गए ना, टॉप टीम मुल्तान। इट इज द टॉप टीम एंड आई एम टेलिंग यू गाइस कि मुल्तान इज गोइंग टू विन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सबसे हल्की टीम से टॉप टीम इतने आराम से हार जाएगी, मतलब दे विल ट्राई देयर बेस्ट, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आई मीन इट्स नॉट दैट कि वो इतने आराम से बोलेंगे ठीक है जाओ जीत जाओ, चले रात को पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, सो अब मैच देखेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि जीतता कौन है, टीम कराची या टीम मुल्तान। इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।